नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज हम मॉडल सेट नंबर 421, 422, 423, 424, 425 एवं 426 तथा पेज नंबर है 265। तो मॉडल सेट नंबर 421 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हापुस अल्फांसो आम की एक किस्म है। हापुस अल्फांसो किसकी एक किस्म है? आम की। ब्रिटिश भारत का वह गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। ब्रिटिश भारत का वह कौन सा गवर्नर था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी था। कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइनें 1854 ईस्वी में खोली गई थी। कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइनें कब खोली गई थी? 1854 ईस्वी को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूलशंकर था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी को। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? सुलेखन में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति अपवर्तित रहती है। माध्यम में ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपवर्तित रहता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतन वाष्पशील द्रव के वाष्प द्वारा होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतन वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा होता है। क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। व्यापारिक पब ने उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। व्यापारिक पब ने किससे चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र शास्त्रीय संगीत अर्थात गायन से है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप किस क्षेत्र से? शास्त्रीय संगीत अर्थात गायन से है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा दिया जाता है। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास केरल में हुआ। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ पर हुआ? केरला में हुआ। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, ऊपर वाला क्वेश्चन था, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य अगर जाता है तो रक्त रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई 38 इंच होती है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? 38 इंच होती है। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट छापना भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व है। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग की करेंसी नोट छापना किसका दायित्व है? भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगल को कहते हैं। लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगल को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल तथा रुस्का ने। भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल हॉटस्पॉट पश्चिम घाट है। भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल क्या है? हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। संवहनीय वर्षा कहाँ पर होती है? विषुवतीय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंच का प्रयोग पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। डार्विन फिंच का प्रयोग किसमें किया जाता है? पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। टेलीटेक्स्ट समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करने को कहते हैं। टेलीटेक्स्ट किसको कहते हैं? समाचार और सूचनाओं की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करने को कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चित्रकला मधुबनी बिहार राज्य का लोकप्रिय है। लोक चित्रकला मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है? बिहार राज्य से। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई
घुस का विभाजन नहीं होता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव्य तापमापी का अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्यों? क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। मराठा शासक शिवाजी के सलाह परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था। मराठा शासक शिवाजी के सलाह परिषद को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था। शतवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे। शतवर्षीय युद्ध में कौन कौन शामिल है? इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे। धूप के चश्मे के लिए कुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। वीर सावरकर ने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत की इतिहास लिखा। किसने अंडमान के सेलुलर जेलों पर की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा है? वीर सावरकर ने। वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। वाटरलू कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह ओस्लो शहर में आयोजित किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ओस्लो में। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महापर्यवेक्षक के नाम पर रखा गया है। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारत के एक महापर्यवेक्षक के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन्स फ्रांस में स्थित है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक ऊर्जा में होता है। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण पेड़ों को काटना है। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? पेड़ों को काटना। छत्रक सेल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियाँ है जो मरुस्थलों में दिखाई देती है। छत्रक सेल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियाँ है जो कि कहाँ पर दिखाई देता है? मरुस्थलों में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोबार रेखा बराबर दाब वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है। आइसोबार रेखा क्या करती है? यह बराबर दाब वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है। भू राजस्व कर राज्य सरकारों द्वारा वसूला और उपयोग किया जाता है। भू राजस्व कर किसके द्वारा वसूला और उपयोग किया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा वसूला और उपयोग किया जाता है। साहा परमाणु भौतिकी संस्था कोलकाता में है। साहा परमाणु भौतिकी संस्था कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। झूलती मीनार पीसा में स्थित है। झूलती मीनार कहाँ पर स्थित है? पीसा में स्थित है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 238 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्य में। गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। गुरु केलुचरण महापात्र किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुआ था। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किसके बाद हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुआ था। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग तैराकी में किया जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होता है। विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है? गर्म और आर्द्र जलवायु होता है। कॉन्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक का लेखक बर्ट्रांड रसेल है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक लेखक कौन है? बर्ट्रांड रसेल है। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहते हैं। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? यूक्लिड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में विकसित हुई थी। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? दामोदर घाटी निगम है। सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग और कुकर को गर्म कर देता है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त भाग सौर कुकर को गर्म कर देता है। सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडार के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कांच का पात्र है। सल्फ्यूरिक सांद्र एसिड के भंडार के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा है? कांच का पात्र है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में
ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह अजमेर में है। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म आलमारा थी। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? आलमारा थी। पाचन प्रक्रम में एंजाइम से सहायता मिलती है। पाचन प्रक्रम में किसे सहायता मिलती है? एंजाइम से सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विघटित पहला एंजाइम एमिलेस था। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विघटित पहला एंजाइम कौन सा था? एमिलेस था। आजीवक बुद्ध का समसायिक एक संप्रदाय था। आजीवक किसका समसायिक एक संप्रदाय था? बुद्ध का। जल, वसा और विभिन्न अपचायी अवशिष्टों का उत्सर्जन त्वचा द्वारा किया जाता है। जल, वसा और विशिष्ट अपचायी अवशिष्टों का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? त्वचा के द्वारा किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया का है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह किसका है? इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान का धुन पूरी धुन को बचाने में 52 सेकंड का समय लगता है। भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन बजाने में कितना सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का पहले सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में है। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। संसार का सबसे गहरा बंद महासागर प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। अनुदैर्ध्य तरंगें निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग किससे नहीं गुजरती है? निर्वात से नहीं गुजर सकती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी होता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है? विश्व बैंक संस्था के द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऋण नियंत्रण के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का काम करता है। भारत में ऋण नियंत्रण के रूप में कौन काम करता है? भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को बेसिन की संधि ने समाप्त कर दिया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को किसने समाप्त कर दिया था? बेसिन की संधि ने। अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद है जो कि आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 352, 356 एवं 360। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।